ये रिश्ता क्या कहलाता है। भैया बताइए ना, कैसी लग रही हूँ मैं? बहुत प्यारी, बहुत सुंदर, तुम राजकुमारी लग रही। सच? बिल्कुल। अब अक्षु का है, कहीं दिखाई नहीं दे रही वो? पता नहीं कहाँ है वो, मैं जब आई थी तब भी नहीं थी। सरप्राइज है भैया, आप जाओ अभी, बाकी का काम करो, मेरी शादी बेस्ट होनी चाहिए। चलो चलो जाओ, आप जाओ अभी के जाओ। पता नहीं इस रूम में क्या हुआ था, सब बिखरा पड़ा था। शो है कहाँ? मेरा दिल भी यही चाहता है पर क्या यार, कभी तो अपने दिल की सुनो, कब तक दूसरों के बारे में सोचती रहोगी? ये सुन लो अपने दिल की बात। तुम्हें पता है मेरी माँ भी एक बात कहती थी कि प्यार ना दुनिया में सबसे बड़ी चीज होती है, लेकिन वो बड़ी चीज तब अनमोल बनती है जब प्यार को परिवार का साथ मिल जाता है, उनका आशीर्वाद मिलता है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी यह है कि मुझे आरोही से बात करनी है। वो सिर्फ मेरी बहन नहीं, वो एक वादा है जो मैंने अपने आप से किया है। मुझे सब कुछ आकर सच बताना है, मुझे अब झूठ नहीं बोलना। मैंने इतने दिनों से अपने आप से बहुत भागे और मुझे नहीं भागना है अभी। मैं कैसे लेकिन हो ना तुम? मुझे हमेशा से ना तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी नीयत पे भी बहुत प्यार आता है। जिसकी नीयत अच्छी होती है ना, उसके साथ कुछ बुरा नहीं होता। तुम जैसा बोल रही हो ना, बिल्कुल वैसा करेंगे। थैंक यू सो मच। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, उसके बाद भी तुम मेरा इतना साथ दे रहे हो। कौन सी गलती? देखो जब अन भला होता है ना तो सब भला होता है। आज हम खड़े ना एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ, सब ठीक है, सब सही है। Angel's time. अभी अभी खेलो मंजरी आ गई, करेक्ट टाइम पे आई हो तुम। हम भी तैयार हो रहे हैं, तुम भी जल्दी तैयार हो जाओ। अभी अभी मंजू ना पता नहीं कहाँ चला गया है, हमारी तो मानता नहीं है। तुम सिर्फ फोन करो उसे, कहो उसे जल्दी जल्दी आ जाए, वो सब कुछ तैयार है। अब वो मेरे या किसी के बुलाने से नहीं आएगा। उसके दिल ने उसे बुलाया है। क्या? आज वो उसकी दिल की ही सुनेगा। और मेरा मन भी यही कह रहा है कि मेरा बेटा अब उसके मन की ही करे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? आपको जितना चिल्लाना है चिल्लाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज ना मैं उसे कॉल करूंगी और ना ही मेरे बेटे को बुलाऊंगी। उसके दिल में जो है आज मैं उसे वही करने दूंगी। क्या हुआ? मुझे आरू से बात करनी होगी। बताती क्यों नहीं हो तुम? दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? एक मिनट हर्ष, मंजरी अगर कुछ बात है तो प्लीज बताओ। भाई साहब कुछ पूछ रहे हैं तुमसे। मंजरी मनीष जी का फोन उठाओ उठाओ। हाँ बोलिए मनीष जी। ऑल सेट, तैयारियां हो गई? हाँ बिल्कुल, सब सेट है, सब शेड्यूल पे है। तो फिर आ जाइए जल्दी, सेव रहा नहीं जा रहा है। बारातियों के स्वागत के लिए हम तैयार हैं। जी बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में। आइए आइए, स्वागत है आपका। जी तैयारी है, पूरी तैयारी है। वहां पर गोइंग कार्स बिरलास का इंतजार कर रहे हैं वहां पर। यहाँ बिरलास मूर्खों की तरह खड़े हैं क्योंकि मंजरी चुपचाप है, यहाँ पर कुछ नहीं कह रही है।
आज कुछ गड़बड़ हो गई मंजरी, तो मेरा एक अलग ही रूप देखोगी तुम। लेकिन मैं आरू से सिर्फ फोन पे कैसे बात करूंगी? इतनी बड़ी बात है, मुझे उसे सामने बिठाकर समझाना होगा। ठीक है, लेकिन जो करना है जल्दी करना होगा। यक्षु फोन क्यों नहीं उठा रही? कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? आरू, आरू कितनी सुंदर लग रही है हमारी बच्ची आज। बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल अपनी माँ का रूप। किसी की नजर ना लगे हमारी आरू को। स्वर्णा, जब बेटियां छोटी होती है तब हम उनके दुल्हन बनने के सपने सजाते हैं, और ये सच में जब दुल्हन बन जाती है तो आगे झलकने लगती है। माँ जी, फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं घर में सबको कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, अगर ऐसा होता तो सबके फोन आ चुके होते अभी तक। नहीं, लिसन, तब परेशान मत हो, सब ठीक होगा। आज तो सब ठीक है, लेकिन आगे भी सब ठीक ही हो, इसलिए हमें जल्द से जल्द घर वालों से बात करनी होगी, उन्हें सब सच बताना होगा। भगवान तो रास्ता दिखाते, आशीर्वाद देते, लेकिन करना तो हमें ही होगा ना। हाँ, और हम करेंगे, सब अच्छा होगा। बस मुझे चिंता इस बात की कि दोनों फैमिलीज में कुछ गलत ना हो। I know, वैसे भी जब सामने आते हैं कुछ ना कुछ हो जाता है। अब वो वाला तमाशा ना हो, बस घर चलते हैं, अपनी अग्नि परीक्षा देने। शादी का वक्त हो रहा है, चले। क्या? हाँ माँ। माँ, शायद अब सब ठीक हो जाएगा। ड्रामा तो खूब होगा, लेकिन ये होना जरूरी भी है, भाई के लिए जरूरी है। अक्षरा ही उनकी जिंदगी है माँ, तो इसलिए उन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। और अगर ऐसा हुआ तो तीन लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। लेकिन देखना यह है कि ये बात कितनी जल्दी सबको समझ में आती है। लेकिन उससे पहले थोड़ा तमाशा तो पक्का होगा मां। एक आना जी, मुझे ही समझने में बहुत देर हो गई, अब आप ही सब कुछ ठीक कर सकते हो। और मैं जानती हूं कि आज जो कुछ भी होगा वही सही होगा। भाई, हमारी बेटी तो एकदम राजकुमारी की तरह लग रही है। राजकुमारी जैसी लग रही है क्योंकि राजकुमारी है। कह रहे बेटा, ये जरूरतमंद लोगों में बांट देना। तो बेटा, ये कांच कैसे टूट गया? हाँ, कांच टूटना मतलब अपशगुन। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये अपने आप तो नहीं टूटा है, ऐसे लग रहा है तोड़ा है किसी ने। वो मुझसे टूट गया, वो मेरा लहंगा अटक गया था उसमें, और मेरे हाथ में परफ्यूम था तो वो छूट कर मिरर पे लग गया और वो कांच टूट गया। अरे बेटा, इतनी छोटी छोटी चीजों को शगुन अपशगुन से जोड़कर नहीं देखते। कुछ नहीं होगा, एंजॉय डे। अक्षु कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? हाँ रूप, अक्षु कहाँ है? वो मेरे लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज प्लान करने गई है। हे भगवान, मैं तो कहता हूँ कि इन लड़कियों के मामले में पढ़ना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो अखिलेश, ये और इनके सरप्राइजेस। पर एक बात बताओ, अगर इस उम्र में ये सब नहीं करेंगे तो क्या हमारी में करेंगे?
करो बेटा करो। ये जरूर कुछ छुपा रही है। तब अक्षुप भी घबराई हुई थी, ये भी थोड़ा ऑकवर्ड ही लग रही है। होप कि सब ठीक हो। मुझे टेंशन हो रही है अभी। सच बताने की टेंशन नहीं, लेकिन सच बताने के बाद क्या होगा उसकी है। कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा।